तो फाइव में से फाइव है ही है, उससे अगर एक्स्ट्रा भी रेटिंग होता तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। अच्छा देखे तो मूवी अच्छी है, कॉमेडी भी बहुत बढ़िया है, देखने लायक है। रणवीर सर काम अच्छा है, डबल रोल किया और एफर्ट किया उसने, अच्छा लगा उसका काम। अच्छी फिल्म है, एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, आप जा सकते हैं डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ में और एकदम एंटरटेन, फुल एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सर्कस का तो मतलब रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग सबसे पहले रेटिंग ही पूछते, तो फाइव में से फाइव है ही है, उससे अगर एक्स्ट्रा भी रेटिंग होता तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। बिकॉज ये मूवी मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा फ्रेश किया है, बिकॉज पाँच छः दस दिन से जो अभी वाइकॉट और ये सारी चीज़ें चल रहा था ना, जहाँ भी न्यूज़ खोलो वहाँ पे एक ही चर्चा और एक ही बातें। तो मुझे जहाँ तक लगता है अगर जो भी लोग इस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन में हैं वो लोग इस मूवी को देख कर आ सकते हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन को नहीं अपने माइंड को पूरा फ्रेश कर सकते हैं। जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं रोहित शेट्टी मसाला ब्रेनलेस कॉमेडीज एंड यू नो एक्शन सीक्वेंसेस, तो वो आपको फील एग्जैक्टली बिकॉज जैसे आप एक्शन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं और सेम आपने फनी सीक्वेंस की बात करें तो इस मूवी में हाँ कॉमेडी टाइप में, तो इस मूवी को कॉमेडी में मतलब बहुत अच्छे लेवल पे लेकर गए हैं वो। और कुछ चीज़ें पार्ट जो एक सोशल मैसेज भी गया है लोगों के पास, ब्लड रिलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ द परवरिश, तो ये बहुत मायने रखता है कि एक सोशल मैसेज के साथ साथ एक पिक्चर को एस्टैब्लिश करना। तो सल्यूट है रोहित सर को, रोहित शेट्टी सर को बस। क्या बात है, स्टोरी वाइज जिस तरीके से हम देखते हैं डबल रोल का मैजिक इसमें क्रिएट करने की कोशिश की है, कितना नया आपके लिए रहा? थाउजेंड मजा आया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे डबल रोल जो है। और सबसे अच्छा बहुत सारी मूवीज में डबल रोल जो है बहुत पास मतलब बहुत नज़दीक आ जाते हैं और बहुत झटके में दिखा देते हैं डबल रोल को, बट इसमें सबसे लास्ट में दिखाया गया है, तो ये बहुत एक यूनिक था और बहुत ही अच्छा, बहुत लेवल। क्या बात है, जाते हैं तो लोगों को किसे अपील करेंगे? मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि प्लीज़ आके आप मूवी को देखिए और उसके बाद अपने अपने सभी लोग राय दे सकते हैं मीडिया के सामने, बिकॉज ये जो है रिव्यू ये कहीं ना कहीं बाहर जाएगा और जब बाहर जाएगा तो पब्लिक देखेंगे ही देखेंगे और इस मूवी को देखने आना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें को सिक्योर करके देख के उसके बाद इस मूवी को बनाया गया है। तो एंटरटेनमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्कस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक की मूवी, बहुत बढ़िया। स्टोरी वाइज कैसी फिल्म है, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी डार्क है? देखिए अगर इंटरेस्टिंग की बात की जाए तो जिस हिसाब से इसमें कॉमेडी डाला गया या जिस हिसाब से कहीं कहीं मैंने 10% 5% सस्पेंस डाला गया, तो सस्पेंस के हिसाब से देखें तो मूवी अच्छी है, कॉमेडी भी बहुत बढ़िया देखने लायक है सर। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस इसमें रणवीर सिंह है, जैकलिन फर्नांडीज है, पूजा हेगड़े, आई डोंट नो कॉमेडी स्टार जैसे कि जॉनी लीवर एंड यू नो ब्लाह ब्लाह, तो आपको किसका सबसे ज़्यादा काम पसंद आया और कौन सबसे ज़्यादा हाइलाइटिंग था? देखिए मैं कोई भी मूवी अगर देखने जाता हूँ तो उसमें सबसे पहले तो जो किरदार होते हैं उन्हें 20% देखता हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस मेरा जो मेन मोटिव होता है ना वो चीज़ें मैं स्टोरी पर ध्यान देता हूँ। स्टोरी इसमें ये चीज़ें है कि मतलब जो सोशल जो हमारे समाज के जो बाकी अदर जो लोग हैं ना उसमें मेंटालिटी है कि नहीं मेरा खून मेरा बच्चा नहीं मेरा ही रिश्तेदार ऐसा नहीं मेरा ही रिश्तेदार वैसा ये बाकी लोग ये सब चीज़ें नहीं है। तो इसमें जिस तरह से दिखाया गया ना कि जैसे डेवलप जो दूसरा लड़का है उसके यहाँ जाता है तो उसका बिजनेस आगे उसके सर्कस को आगे बढ़ा रहा है, वहाँ पे अगर वो जाता है तो उसका अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा है। इसमें ये देखना चाहिए कि हाँ उसके पिता किस परवरिश में या किस मेंटालिटी को समझा समझा के उस चीज़ें बताया उस हिसाब से उन लोग अपने लाइफ को डेवलप किया है। ये मैसेज है मतलब लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। जानते थे लोगों को कैसे आप दरखास्त करेंगे पिक्चर देखने के लिए और पाँच में से कितनी रेटिंग बनी? देखिए अगर रेटिंग बात किया जाए तो मैं फाइव में से फाइव ही देना चाहूँगा क्योंकि जो स्टोरी है मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं खुद सोचा था पहले तो वही स्टोरी है इसमें कि मैं अपने खुद भाई को या बहन को या पापा को ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ कि लोगों को ना एक सोसाइटी या एक माहौल या अपने परवरिश के ऊपर सिखाने या कुछ भी बताने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मेंटेलिटी का होगा इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छी थी पिक्चर। अगर स्टोरी की बात करें, स्टोरी कितनी पसंद है आपको? स्टोरी ठीक है, अच्छे कॉमेडी है, कॉमेडी सीन है, थोड़ा बहुत रोमांस है, वो सभी है। कॉमेडी कितना लगा? हाँ कॉमेडी अच्छा है। रणवीर सिंह का काम कितना अच्छा था? रणवीर सिंह का काम अच्छा है, डबल रोल किया और एफर्ट किया उसने, अच्छा लगा उसका काम। सब लोगों का काम कितना पसंद है आपको? सबका बहुत ही रो एक्टर्स है इसमें, दिन के बहुत सारे एक्टर है इसमें, सबका काम अच्छा था। आप इसको अच्छा काम किसका लगा? मेरे को उस क्या नाम था पूजा हेगड़े का। हाँ मूवी का बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? बेस्ट पार्ट उसके पास स्लैप दिया ना उसके उसके बिंदु के पप्पा को रणवीर सिंह ने, वो स्लैप बहुत अच्छा लगा, उसका गाल पर सूज जाता है। सॉन्ग कैसे थे मूवी के? हाँ सॉन्ग भी अच्छे, सॉन्ग का रंटे लगा दैट सॉन्ग इज ग्रेट। हिट हो गया फॉलो हिट फाइव ऑटो फोर।
अच्छी फिल्म है, एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, आप जा सकते हैं डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ में। और अच्छी कॉमेडी की बात करें, कॉमेडी कितना लगा आपको? देखो कॉमेडी के लिए सबसे अच्छा संजय मिश्रा सर और सिद्धार्थ यादव का है काम है, जो उन्होंने जो काम किया है वही इस फिल्म को सबसे बेहतरीन बनाता है। और मतलब हाँ, डबल रोल का जो काम दिखाया वो कितना पसंद आया आपको? डबल रोल मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था, मतलब था हम लोग उनके लिए रणवीर सर के फैन हैं इसलिए फिल्म देखने आए थे, बट थोड़ा सा अच्छा और हो सकता था, उससे क्या है फिल्म और अच्छी हो जाती। जो मेन कॉमेडियंस हैं उनका काम तो सबसे अच्छा है, संजय मिश्रा सर सबसे बेस्ट है, अगर वो इस फिल्म में नहीं होते तो ये फिल्म चलती भी नहीं मेरे हिसाब से। मूवी का बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट उसका क्लाइमेक्स रिवील है, जब उनके सबके साथ में एक वो कॉम्बिनेशन है, जब सब लोग रिवील करते हैं तब सिद्धार्थ यादव का एक डायलॉग है वो आप लोगों को बहुत हंसाएगा। सॉन्ग कैसे थे? सॉन्ग बहुत अच्छे थे सारे के सारे। फाइव आउट ऑफ 3.5। एकदम इंटरटेन, फुल इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट फुल, बहुत अच्छी मूवी और नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छी पिक्चर लगी। मूवी कितना हंसे आप? मैं 5 में से 4।